तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है और हमने हरियाणा की पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के ईमानदारी से हरियाणा की सेवा की है। हरियाणा को आगे बढ़ाने का ईमानदारी से हमने काम किया है। हमने जो पहले क्षेत्रवाद पनपता था उस क्षेत्रवाद के ऊपर भी विराम लगाया है। हम जो परिवारवाद बढ़ता था उसके ऊपर विराम लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो भेदभाव लोगों के साथ होता था उस भेदभाव को भी हमने समाप्त करने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास लेकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आगे भी हमारी सरकार ईमानदारी से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। देखिए एग्जिट पोल तो चलते रहते हैं मैडम, आपको भी मालूम है पीछे राजस्थान के भी चुनाव थे तब भी एग्जिट पोल आए थे, मध्य प्रदेश के चुनाव थे तब भी एग्जिट पोल आए थे, छत्तीसगढ़ के चुनाव थे तब भी एग्जिट पोल आए थे, उत्तराखंड के चुनाव थे तब भी एग्जिट पोल आए थे। हम एग्जिट पोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, परंतु उनके जो रिजल्ट हैं रिजल्ट देखने को कुछ और मिलते हैं। हरियाणा के अंदर भी सेम रिजल्ट मिलेंगे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। ये जो भाजपा सरकार है इन्हें सिर्फ नफरत की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति और असामाजिक चीजें करने बोलने की राजनीति आती। वो प्रेम प्यार की तो राजनीति करते नहीं, विकास की राजनीति करते नहीं। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी खुद कहते हमें तो एक मोहब्बत की दुकान खोलनी, सबको साथ लेना, बड़ा बुजुर्ग हो, नौजवान हो, मातृशक्ति हो, धर्म बिना देखे हमें हर व्यक्ति का हाथ पकड़ के उन्हें आगे लेके जाना है, पूरा मान सम्मान देना है, उन्हें जोड़े रखना है। हम बुरी चीजें किसी को भी नहीं कहते, अगर वो हमारे साथ डिसएग्री भी करते, वो बोलते हैं हम और किसी चीज में विश्वास करते हैं, कोई बात, हमें फिर भी आपका विकास करना है, आपको आगे लेके जाएंगे। ये जो भाजपा सरकार है ये तो डिवाइड एंड रूल सिस्टम इस्तेमाल करती है जो अंग्रेज लेके आए थे, जिसकी वजह से वो 200 साल राज कर गए। हमें सबको जोड़ के आगे लेके जाना है। तो जो भी भाजपा सरकार बोले, भाजपा के नेता बोले, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तो मुस्कुराकर उनको बोलेंगे आपका हम बहुत सम्मान करते हैं और एक बार फिर से हम हरियाणा और कैथल का विकास करके दिखाएंगे, आप करो या ना करो। आपको जो बाहरी बोला जाता था, अपशब्द बोले जाते थे, लगता था कि इस चीज के लिए मैं नहीं आया हूँ, अनकंफर्टेबल होते थे? हमें तो शुरुआत से ही पता है, मेरे दादाजी पिताजी इतने साल से राजनीति में, हमें शुरुआत से ही पता है भाजपा सरकार का और भाजपा नेताओं का यही आदत है, क्योंकि उन्हें तो काम करना आता नहीं, वो चुनाव अपने काम के हिसाब से तो लड़ नहीं सकते। अगर लड़ सकते तो हम काम के हिसाब से लड़ ले होते कि देखो सुरजेवाला जी ने कितना काम किया, उसके बाद भाजपा सरकार ने कैथल में कितना काम किया। लेकिन भाजपा सरकार ने कैथल में काम किया नहीं, तो अब वो ये ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे पर्सनल अटैक करें, व्यक्ति पे अटैक करें, उनके परिवार पे अटैक करें। लेकिन मैं खुद बोलता हूँ ऐसे राजनीति चलती नहीं। जो संस्कार मेरे बड़े बुजुर्गों ने, दादाजी ने, पिताजी ने दिए हैं वो काम की राजनीति के, हमें सिर्फ काम करना आता है, हम अपने काम के बल पे लड़ाई लड़ेंगे इस इलेक्शन की, इस चुनाव की नहीं, हर एक चुनाव की। अब अगर आप विधायक बनते हो आपको चंडीगढ़ तो जाना ही पड़ेगा, चंडीगढ़ जाके विधानसभा में हम अपनी कैथल की आवाज उठाएंगे अपने के। अच्छा, जो निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा, हमारे मुख्यमंत्री जी जो जब चुने जाएंगे वो लेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। 25 साल का हूं मैं, उम्र मेरी बहुत कम है, अनुभव इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मैं पूरे प्रांत की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मेरा काम मेरे कैथल हल्के से शुरू होएगा। पिछले 10 साल जो इस भाजपा सरकार ने हमारे कैथल का नाम नष्ट कर दिया है, कोई विकास नहीं करा, पहले बदलाव यहाँ लेके आने की जरूरत है। उसके बाद अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टी हाईकमान राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी और हमारे मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं कि आदित्य और काम कर सकता है, बिल्कुल मैं लेना चाहूंगा और पूरे प्रांत की सेवा करना चाहूंगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोर जनता 5 तारीख को लगा देती, औपचारिकता आज गिनती पूरी हो जाएगी। भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जो मर्जी दावे करते रहे, मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव आ गए। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हरियाणा प्रदेश ने तय कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोर जनता 5 तारीख को लगा दी थी, औपचारिकता आज गिनती पूरी हो जाएगी। भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जो मर्जी दावे करते रहे,
मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव आ गए। हाँ देखिए, बहुत ही खुशी के साथ मैं समझती हूँ लोकतंत्र के इस महापर्व का, हरियाणा विधानसभा चुनाव का आज मतगणना है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद सहयोग समर्थन दिया है, हमें उम्मीद है यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीतेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए एग्जिट पोल जो आए हैं वैसे तो बहुत ज्यादा फेवर में है कांग्रेस के, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। जब काउंटिंग अब शुरू होगी उसके बाद से ये पता चलेगा, और भी उससे ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया। बहुत एजेंडा था, बेरोजगारी है, किसान है, महिलाएं हैं, बेटियां, हरियाणा की तरक्की, हमने अपने मैनिफेस्टो पर मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जनता ने उस पर आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, झज्जर की जनता ने बहुत आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है, हमने विपक्ष में भी उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया और अब उनको तो ये पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमने विपक्ष के अंदर और बाहर जो संघर्ष किया, उससे जनता को ये उम्मीद भी है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा में विकास के कार्य होंगे। देखिए, हरियाणा की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है और जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जो भी फैसला है वो स्वीकार है पूरी तरह से, लेकिन हरियाणा को इस बार तीसरा विकल्प मिला था, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और हमको पूरी उम्मीद है कि लोगों को, लंबे समय से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान थे, जिस तरह की नीतियाँ सरकार की थी उनसे परेशान थे और लोग एक तीसरा विकल्प तलाश रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी में लोग आस्था जरूर जताएंगे और बहुत सारी जगहों पर हमको अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं।